यहाँ सारे गमले कर दो। कुछ गमले यार सूख रहे हैं, सूख क्या रहे हैं, दो तीन दिन से ऐसे ही पड़े हैं ना, सारा सामान यहाँ वहाँ था तो ये ख़राब भी हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा सूख गए हैं। बट आई होप कि ये फिर से ग्रीन हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा हो रहा था, ग्रो कर रहा था अच्छा, बट अभी ये हट गया है। तो ये जो गले हुए पत्ते हैं इसको निकाल दो। सारा ही सूख रहे हैं, मतलब ये सारे सूख गए हैं। सुबह से क्या होता है, नाइट में मैं नाइट सूट पहना के सुलाती हूँ ना फुल, तो एसी में, क्योंकि और सुबह से उठती है तो उसको गर्मी लगने लग जाती है, तो उसके मैं कपड़े निकाल देती हूँ, तो सुबह ऐसे ही घूमती रहती है। और ये तो अब बहुत ज़्यादा प्यार करना सीख गई, बस मुँह से ही खेलती रहती है सबके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम हो गई थी तो चलो मैंने सोचा कुछ काम कर लेते हैं, तो ये मॉर्निंग के ही बॉस बर्तन डल रखे हुए थे तो अपनी अपनी जगह पर इसको सेट कर देते हैं। और कू ऐसे ही करती है, गोदी में लेते लेते सब करना पड़ता है। और अभी बना लूँगी सब्ज़ी, और सब्ज़ी सिंपल ही बना रही हूँ, तोरई की सब्ज़ी, उसमें शेयर करने लायक कुछ है ही नहीं, सिंपल जैसे बनती है वैसे ही बनाऊँगी सिंपल तोरई की सब्ज़ी, क्योंकि आज सिंपल ही खाने का मन था। और फ्रूट्स भी आ गए, सब्ज़ी भी आ गई है, कुछ रखी हुई हैं, इसको मैंने बॉस करके यहीं पर रख दिया है। लीचियां, अब तो एंड सीजन चल रहा है लीचियों का, तो अभी भी आ गई हैं। और दशहरी मेरे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं दशहरी, और वहाँ गुड़सरा झांसी में तो स्टार्टिंग से ही दशहरी खाए जाते हैं, जो बड़े आम होते हैं ना, अभी तक हम लोग वो खा रहे थे, आज दशहरी मिल गए तो ये लेके आया। सारी वेजिटेबल बॉस करके मैंने रख दी है, और ये सूख जाएंगे ना तब इसको फ्रिज में सेट करेंगे। और अभी सब्जी बना लेते हैं। निन्नी कर ली थी और रात के 8 बजे सो के आ रहा, अभी सो गया था 7 बजे, 7:30 पे सो गई थी, अब ये सोएगी 12-1 बजे तक। अभी ये जाग गई आधा घंटा सो के, 15-20 मिनट सो के जाग गए, और ये अभी अब रात में बहुत लेट सोएगी और बहुत परेशान करेगी सोने में। हाँ सब्जी बना रहे हैं, और इसके साथ साथ मुझे ऐसे ही काम करना पड़ता है इसको लेके, ऐसे ही मुझे काम करना पड़ता है, तो होता नहीं है। आज 8 बज गए, अभी तक ये भी नहीं आए हैं, ये भी लेट हो गए हैं। बनाना खाओगे? बनाना खाओगे? वो नहीं वो नहीं वो नहीं। सब्जी भी बन गई है और दूध भी बॉयल हो गया।
और आप लोग ये मत सोचना कि दित्या को कपड़े मत नहीं पहनाते हैं, ये अभी नहा कर आई है, तो शाम को ये ऑफिस से आते हैं ना तो इसको साथ ही नहलाते हैं, तो नहलाने के बाद मैं तो खाना बना रही थी और इन्होंने सिर्फ डाइपर पहना के ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ना वो ऐसे ही घूम रही है। अभी जब मैं थोड़ा सा फ्री होंगी तब उसको कपड़े पहनाऊंगी। और अभी मेरी होने लग गई है किचन क्लीनिंग, डिनर हो गया है और मैं रात में पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ ताकि सुबह उठ के आएँ जब किचन में तो अच्छा सा फील हो। और ये जो दूध बॉयल हुआ था वो भी ठंडा हो गया होगा तो उसको भी मैं अंदर रख दूँगी फ्रिज में, तो उसमें ना फ्रिज में ऐसे रख दो ढक के, जाली से ढक के, प्लेट से ना ढक के, जाली से, तो अच्छा दूध वो मलाई निकलती है, तो मैं मलाई निकालती हूँ, घी बनाती हूँ उससे, तो दूध भी मैं रात में ही रख देती हूँ। और बस मेरे बर्तन वॉश हो गए एंड मैं रात में भिंगो कर डालती हूँ बादाम दाख और छुआरा। छुआरा एक्चुअली आज ही डाला है दित्या को खिलाने के लिए, कोशिश कर रहे हैं कि वो खाने लग जाए, अभी खा नहीं रही है क्योंकि, और बादाम भी एक आध खिला देते हैं और एकदम चमचमा गई है किचन मेरी। चलो तो अब काम कंप्लीट, और बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत पसीना आ रहा है, तो बस अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और रात का 10-11 बज रहा है, अब बज गया होगा, मैंने तो टाइम ही नहीं देखा है काफ़ी टाइम भी नहीं देखा है काफ़ी टाइम। आपको कुछ भी सोना होगा तो उसको सुलाऊंगी और बस गुड नाइट, शायद सुबह मिलें, ब्लॉग को कंटिन्यू रखें या हो सकता है ख़त्म भी कर दें, तो चलो देखते हैं कल जैसा होगा। बाय बाय, गुड नाइट।